हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च के दम के कोफ्ते की रेसिपी। इसके लिए मैंने 300 ग्राम खीमा ले लिया है, 8 काजू का पाउडर है, ये आप जरूर डालिए, 1/2 स्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1 स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 खोपरे का मसाला है, 1 कटोरी हरा धनिया, 1 कटोरी भुने हुए चने का पाउडर है, 1 बड़ी प्याज मैंने चॉप कर ली है, 1 स्पून ऑयल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसे बारीक ग्राइंडर जार में पीस लूंगी। लीजिए फ्रेंड्स, 1/2 स्पून नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से इस नमक को भी मिला लूँगी। हमें नमक मिलाने के बाद इंस्टेंट पीस लेना है, नहीं तो वो नमक हमारा पानी छोड़ देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा खीमा पीस लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्तों का साइज आप अपने मुताबिक छोटे या बड़े कर लीजिए। मैं इस साइज के कोफ्ते बना रही हूँ। इसी तरह से सारे खीमे के मैं कोफ्ते बना लूंगी। ये देखिए, हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इन कोफ्तों को प्याज में बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम सालन पगार लेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट डाल लिया। और इस मिर्ची को अच्छी तरह से तल लेंगे। ये देखिए, हमारी मिर्ची अच्छी तरह से तल चुकी है। अब हम इसमें 1/2 खोपरे का मसाला, हमने खीमे में डाल लिया था, 1/2 खोपरे का मसाला हम अब इसमें डाल लेंगे। हरा धनिया डाल लिया। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से तलेंगे। ये देखिए, मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 4 बड़े प्याज है मैंने काट लिए हैं, अब इसमें डाल रही हूँ। हमें पहले अच्छी तरह से इस प्याज को नरम कर लेना है। ये देखिए, हमारी प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसमें इन कोफ्तों को डाल लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद आप इसे
हिलाइएगा मत, हमें इसे इसी तरह से थोड़ा सा पानी डालकर लीड लगा देंगे और धीमी आंच पर इसे 20 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें गैस की फ्लेम हाई नहीं रखनी है। अब हम गैस की फ्लेम को धीमी कर लेंगे और इसे 20 मिनट के लिए दम पर पका लेंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन कोफ्तों को चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से गल गए हैं और हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हरी मिर्ची के दम के कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।